कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मुंबई पहले से ही देश की कोरोना कैपिटल बनी हुई है। अब जब अनलॉक शुरू हो चुका है, लोग बाहर निकल रहे हैं, भीड़ भड़क्का हो रहा है, तो ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कोविड पॉजिटिव के मामले और ज्यादा बढ़ेंगे। मुंबई के हेल्थ केयर सिस्टम पर पहले से ही काफी दबाव है। लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर्स में जगह नहीं मिल रही है। लेकिन इस समस्या का हल कुछ नागरिकों ने खुद ही निकाल लिया है। आइए जानते हैं कैसे। इस वक्त हम मुंबई के पश्चिमी उपनगर कांदिवली के विश्वदीप हाइट इमारत में हैं और यहाँ की हाउसिंग सोसाइटी ने इमारत के भीतर ही एक आइसोलेशन जोन बनाकर रखा हुआ है ऐसे लोगों के लिए जिनमें की सिम्टम्स नहीं नजर आ रहे हैं या फिर बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं कोविड के, और उनको क्वारंटीन करने के लिए इमारत के भीतर ही इस तरह का इंतजाम किया गया है। हमारे साथ में इस इमारत से नीलेश व्यास जी मौजूद हैं। नीलेश जी, ये बताइए कि ये क्या कॉन्सेप्ट है जो आपने यहाँ पर ये आइसोलेशन सेंटर तैयार किया है? बीएमसी और आईसीएमआर के रूल्स के हिसाब से जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं या जिनको माइल्ड टू वेरी माइल्ड सिम्टम्स होता है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती और उन्हें क्वारंटाइन या आइसोलेट किया जाता है, और कई पेशेंट्स को तो होम क्वारंटाइन की सलाह भी दी जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जगह कहाँ पे क्वारंटाइन करना आज के डेट में मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसको चलते हमारे एमपी गोपाल साहब, गोपाल जी शेट्टी ने जो हमें एक नया कंसेप्ट दिया, उसके चलते हमने ये आइसोलेशन सेंटर की स्थापना की है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपने आइसोलेशन सेंटर बनाया, ये बिल्डिंग का कॉमन एरिया है, यहाँ पर पहले क्या था ये हम जरा देखना चाहेंगे। ये बिल्डिंग का जिम्नेशियम एरिया है और पहले यहाँ पे जिम की ये सारी मशीनरी लगी हुई थी, जो फिलहाल हमने इस काल के दौरान इसको थोड़ा सा साइड पे करके ये फैसिलिटी को पूरी हमने आइसोलेशन सेंटर में कन्वर्ट कर दी है। अच्छा, ये थोड़ा सा दिखाएंगे हमें यहाँ पर किस किस तरह का इंतजाम किया गया है। ये एक छोटा सा एरिया जब डॉक्टर पेशेंट के लिए आएगा तो उसको थोड़ा चेंजिंग के लिए काम लग सके, वैसा एरिया है। ये आइसोलेशन सेंटर सेटअप करने के लिए बहुत ही मामूली 8 से 10 चीजें लगती हैं, जिसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। करीब करीब 40 से 50 हज़ार के खर्चे के अंदर आप हमारे यहाँ पे 2 बेड का आइसोलेशन सेंटर हमने सेटअप किया है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे पीपीई किट और वो सामान रखने के लिए एक छोटा सा अरेंजमेंट है। अपने वेस्ट डिस्पोजल के लिए ये एक बिन लगाया हुआ है। आप यहाँ से चलेंगे, दाहिने और बाईने दोनों एक एक रूम है, जो ओरिजिनली पहले हम जिम्नेशियम के इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। ये सब आप देख सकते हैं, अभी भी एक ट्रेडमिल हमारी यहाँ पे पड़ी हुई है। ये एक कमरा जिसमें थोड़ा सा हवा, लाइट और वेंटिलेशन थोड़ा सा ठीक हो, वैसा एक कमरे की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारे यहाँ पे ये 2 कमरे हैं, वहाँ पे 2 बेड लगाए हैं। बाजू में रेफ्यूज एरिया है, अगर ज़रूरत पड़े तो 3 और बेड हम वहाँ पे भी लगा सकते हैं फ्यूचर में। अच्छा, ये बताइए कि इन कमरों में किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं पेशेंट के देखरेख के लिए? यहाँ के बोरेली मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स की जब हमने सलाह ली कि ऐसे आइसोलेशन सेंटर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है रखने के लिए, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड 10 चीज़ों का हमें लिस्ट दिया, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता है हॉस्पिटल बेड विथ मैट्रेस और डिस्पोजेबल बेडशीट कवर, पल्स ऑक्सीमीटर जो आपका ऑक्सीजन लेवल आप चेक कर सकते हो, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, इमरजेंसी पर्पज़ के लिए कहीं पेशेंट को यहाँ से आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना हो उस दौरान यूज़ के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, उसके किट के साथ। अगर यहाँ पर मतलब मौजूद, अगर पेशेंट की हालत बिगड़ती है, उसके सिम्टम्स जो है और ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, तो ऐसे में ऑक्सीजन लगाकर उसको नज़दीकी अस्पताल तक पहुँचाया जा सके। ये जो है इस इमारत का रेफ्यूज एरिया है। रेफ्यूज एरिया मतलब मुंबई में नियमों के मुताबिक जो भी बड़ी इमारतें होती हैं, वहां पर एक फ्लोर पर कुछ कमरे जो है खाली रखने पड़ते हैं रेफ्यूज के तौर पर, ताकि अगर आग लगे या कोई बड़ी दुर्घटना हो तो इमारत के तमाम लोग जो है इस जगह पर आके खड़े हो सकते हैं और खिड़की के जरिए बाहर की तरफ से फायर ब्रिगेड उनको रेस्क्यू कर सकता है। ये एरिया आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और जैसा कि व्यास जी हमें बता रहे हैं कि इन कमरों को भी अगर जरूरत पड़ती है, पेशेंट्स ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पर भी बेड्स लगाए जा सकते हैं और यहाँ पर भी उन मरीजों की देखरेख की जा सकती है। अगर हर एक सोसाइटी हमारे एमपी गोपाल साहब की प्रेरणा से ऐसे अपने रेफ्यूज एरिया या जिम्नेशियम या क्लब हाउस में आइसोलेशन बेड की फैसिलिटी तैयार करे, तो जो महानगर पालिका और सरकारी तंत्र पे जो दबाव है अभी बेड्स न उपलब्ध होने का, वो काफ़ी सारा उसमें से
कम हो जाएगा, उनका प्रेशर, उनका लोड काफी सारा कम हो जाएगा। मैं मानता हूं कि ये जो मैंने अपने आप में मेरा एक 28 साल का अनुभव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का होने की वजह से कुछ मैं ओन कर लेता हूं, आंग पर लेकर काम करता हूं, और ये जो सोसाइटी को मैंने अपील किया कि आप अपने अपने सोसाइटी में अपने सोसाइटी के लोगों को व्यवस्था करिए, तो बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं। मैंने कल दो जगह पर उसका उद्घाटन किया। मैंने स्वयं पावनधान में 75 बेड का क्वारंटाइन, तो क्वारंटाइन से मतलब इट जस्ट लाइक हॉस्पिटल ही है, सिर्फ हमारे पास वेंटिलेटर और आईसीयू की सुविधा नहीं है, बाकी सारे मशीन्स वगैरह हमने परचेस करके सारा वहाँ पर व्यवस्था किया है। मुझे लगता है कि ये हमको आने वाले दिनों में करना पड़ेगा, लोगों को एनकरेज करना पड़ेगा। इस तरह के इंतजाम अगर मुंबई की हर हाउसिंग सोसाइटी करने लगे तो जाहिर तौर पर शहर के हेल्थ केयर सिस्टम पर से दबाव कम होगा और कोविड के खिलाफ जंग में एक बड़ी राहत भी मिलेगी। ABP News आपको रखे आगे।